हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर। आई एम प्रेमचंद यादव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास सेवन्थ इंग्लिश ग्रामर। द टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं तो आई के साथ डू लगेगा या डच तो लगेगा क्या डू, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना किसके मीन्स गो, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह मंदिर नहीं जाती है, तो वह मंदिर नहीं जाती है यानी फीमेल है, वह किसके मीन्स सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब सी के लिए डू लगेगा या डज तो लगेगा क्या डज, तो सी डज नॉट गो टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है मंदिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वे आम पसंद नहीं करते हैं, तो वे किसके मीन्स दे, अब दे के साथ क्या लगेगा डू, तो दे डू नॉट लाइक मैंगो, मैंगो मीन्स आम, तो वे आम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि इसमें हम डू या डज पहले यूज करते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता। ठीक है, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या है हमारा। जैसे वह, क्या वह पढ़ता है, तो क्या वह पढ़ता है वह किसके मीन्स ही, अब ही के लिए क्या लगेगा डज, तो पहले हम डज लगाएंगे, तो डज ही पढ़ना किसके मीन्स रीड, तो क्या हो जाएगा डज ही रीड। ठीक है, फिर है क्या हम सब गरीबों की सहायता करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम सब, हम सब किसके मीन्स वी, वी के साथ डू या डज क्या लगेगा डू, तो यहाँ पर लिखोगे डू वी सहायता करना किसके मीन्स हेल्प, तो डू वी हेल्प किसकी गरीबों की, तो द पुअर्स, पुअर्स मीन्स गरीबों, यानी पुअर मीन्स गरीब होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या चिड़िया उड़ती हैं, तो यहाँ पे चिड़िया क्या है बहुवचन है, तो यहाँ उसके लिए डू लगेगा क्योंकि बहुवचन कर्ता के लिए हमने बताया हड्डी डू लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा डू द बर्ड्स उड़ना किसके मीन्स फ्लाई, तो डू द बर्ड्स फ्लाई, तो क्या चिड़िया उड़ती हैं, तो इस तरह से ये आपका होगा। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह से इंग्लिश के कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।